सुपुत्र स्वर्गीय रामदेव यादव। आइए एक विराह की ओर चलते हैं और कहानी मैं ऐसी सुनाऊंगा जिसे ध्यान लगा के आप सुनेंगे। मास्टर स्वर्दा चार लाइन भूमिका के अंदर कवि जी बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, जरा गौर कीजिएगा क्या लिखते हैं। उठा के वाह तो पूरे ब्रह्मांड में बारह कान है, वक्त की तर्जनी पर जो नाचा नहीं, भाल पर क्या लिखा जिसके करतार ने, कर्म किसका महाकाल जांचा नहीं, भूप सानी मगध का घनानंद था, अरे जन्य जौहर का जलवा दिखाता रहा, काल भी था भरा कांत उस दौर में, ना चुनौती कोई देने वाला रहा। पूरे ब्रह्मांड में बारह कौन है, वक्त की तर्जनी पर जो नाचा नहीं, भाल पर क्या लिखा जिसके करतार ने, जिसका कर्म किसका महाकाल जांचा नहीं। एक लाइन कव्वाली लग गई, आशिकाना मिजाज की कव्वाली है, हाय 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 हाय। और एक कव्वाल, एक कव्वाला कव्वाल से कहती है, अरे कव्वाला हम कव्वाला समझ में आती तो है, कव्वाला कह रही है कव्वाल से, क्या कह रही है कि मैं नाजे हुस्न हूँ, नाजे हुस्न हूँ, तो के नाजे हुस्न समझ में आवत ही, सुना सुना वो कव्वाला जो है कह रही है कव्वाल से, क्या कह रही है कि मैं नाजे हुस्न हूँ, यह तराम करो, अरे जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो, जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो, जवानी नाम है मेरा, जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। मैं नाजे हुस्न हूँ तू मेरा एहतराम करो, जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। कव्वाल जवाब देता है कि मैं सलाम करूंगा, हाय 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 मेरी जान, मेरे सलाम मैं करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बता रहा है, तुझे सलाम करूं, तुझे सलाम करूं, बस मेरा एक काम करो, तू अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो, तू अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो, तू अपनी मस्त जवानी, तू अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। और ये जो बिरहा में लाइन कवि जी ने लिखा है, याद रखिएगा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं मैं गा रहा हूँ, लेकिन न जाने कितने नौजवान हमारे आपके लिए सरहदे हिंद पर हंसते हंसते अपने गर्दन को कुर्बान कर देते हैं। उन जवानों का कहना है, याद रखिएगा 16 साल की उम्र में खुद्दीराम बोस फांसी चढ़ गए। इतिहास उठाकर पढ़ लीजिएगा, सबसे कम उम्र में
फांसी चढ़ने वाला कोई क्रांतिकारी अगर था तो वह था खुद्दीराम बोस। तो इसीलिए कहना है, मैं नहीं कहता, भारत के जवान कह रहे हैं, भारत के बागी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वतन की आन पे, वतन की आन पे, अरे हम सब गर्दन कटाएंगे, अरे भले मर जाएंगे झंडा नहीं झुकाएंगे, भले मर जाएंगे झंडा नहीं झुकाएंगे, भले मर जाएंगे झंडा, भले मर जाएंगे झंडा नहीं झुकाएंगे। यहीं से गाना की शुरुआत होती है कि भले मर जाएंगे झंडा नहीं झुकाएंगे। जरा गौर कर लीजिएगा, तैयारी से नजम लगल। इंसान को कैसा होना चाहिए? जिगर फल आदि का सीने में शेर रखता है, जिगर फल आदि का सीने में शेर रखता है, काल से लड़ने की कुवत दिलेर रखता है। तीन होलन, कपूत सपूत अपूत, ओकर मतलब होला का? अगर पूत हो तब बाप जितना बना के गए वही बरकरार रखे। सपूत का मतलब मतलब बाप जितना बना के गए हुए दो ईटा बढ़ाए दे। और कपूत का मतलब का? बाप का जन बनावल वो बेच के खा जाए, ओके ढहा दे, ढहा दे। तब वही सपूत जो सोलह बना दे पानी को, वही सपूत जो सोलह बना दे पानी को, कराहे माँ का दिल धिक्कार है जवानी को। अब कहानी का शुरुआत हो गई। ये कहानी है कैसी? कैसी? मगध सम्राट, मगध सम्राट घनानंद का जमाना था, मगध सम्राट घनानंद का जमाना था, हर युवा पे बिरताई का तराना था। मगध का सम्राट जिसका नाम घनानंद, लेकिन घनानंद बड़ा बहादुर था। बहादुरी तो ठीक है, लेकिन आदमी के घमंड न करे के चाहिए। रावण इतना बड़ा विद्वान था, प्रकांड विद्वान था, छह महीना आगे छह महीना पाछे जानत रहले, लेकिन रावण का घमंड रावण को ले बीता। तो इसी तरह मगध सम्राट घनानंद को भी घमंड हो गया दिल में। क्या किया? पाक्य प्रभुता हृदय में, पाक्य प्रभुता हृदय में बात से अहंकार किया, राजा के राज सुए यज्ञ मन विचार किया, बहुत बड़ा यज्ञ रख दिया अपने राजधानी में, राजधानी में यज्ञ रख दिया, बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े मुनियों को, ऋषियों को पत्र दे दिया, लोग जुटना शुरू हुए, लेकिन एक आदमी के पत्र ना मिलल, लेकिन वो अलन अपने शिष्यन के साथ के रहल। के? कौन था वो? संग में शिष्यों के चाणक्य वहाँ आया है। आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, अपने शिष्यों के साथ आते हैं। संग में शिष्यों के चाणक्य वहाँ आया है, उच्च आसन पे जब तेरा वह जमाया है, अपने शिष्यों के साथ चाणक्य वहाँ आ गया और एक उच्च स्थान देखकर ऊंचे स्थान पर बैठ गया। घनानंद देखा, राजा घनानंद द्वेष की आग में जलने लगा और भरे दरबार में चाणक्य को आवाज दिया, क्या उठा गुस्से में घनानंद नहीं विचार किया, उठा गुस्से में घनानंद नहीं विचार किया, कुरूप देख के ब्राह्मण का तिरस्कार किया।
आकर चाणक्य सबसे ऊंचे आसन पर बैठ गया शिष्यों के साथ। घनानंद देखा, राजा घनानंद अपने मन में सोच लिया, साला ये कुरु ब्राह्मण निमंत्रण भी नहीं दिया और ये अपने शिष्यों के साथ आकर और यहाँ पर उच्च आसन पर बैठ गया। बड़ा गड़बड़ गई लस। आवाज दे दिया राजा घनानंद भरे दरबार में चाणक्य महाराज को आवाज दे दिया। आवाज देकर एक बात कहता है, कर्ज लग गई जन की बम्बई करंडी गोले रहल तू कैसे तुला देई के अखिया में हम कजरा देई के अखिया में हम कजरा मरद सब की ओरी नजर कोई लेकिन कहता है घनन अरे बाभन बछिया के न खतरा बाभन बछिया के न खतरा जाके बाचा पोती पतरा दिन वो राई जई है बाभन बछिया के न खतरा जाके बाचा पोती पतरा दिन वो राई जई है बाभन बछिया के न खतरा जाके बाचा पोती पतरा दिन वो राई जई है बाकी हमारे एक समाइल हो संचा एक समाइल हो संचा एक समाइल खुद के ब्राह्मण बताव वाला तन को ना जनाइल हो कोला जकराइल हो तन को ना जकराइल आ गिला बिना ने उतले तू सुन ला हमार बतिया कोला रखा तोहर मुंह हवा पायल कतरा गुरु ब्राह्मण तोहर मुँह बायल कतरा बिहने देख बिगड़ी जतरा दिन वो राई जई तोहर मुँह बायल कतरा मुँह देख बिगड़ी जतरा दिन वो राई जई तोहर मुँह बायल कतरा मुँह देख बिगड़ी जतरा दिन वो राई जई कह बिना नेवतले चली ला आ तोहर मुँह देखे लग नहीं बा चली ला तू गुरु ब्राह्मण भाग जाओ यहाँ से। अरे बाप रे बाप कलस की यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा जुटे हैं तुहरे से कुरूप आदमी के यहाँ जरूरत ना है भाग जाओ। अपमान सहगेलन चाणक के दरबार में आज जब अपमान सहलन है एक बात करेजे में लग गई बाती का घाव तीर तलवार का घाव तो मिटा जी साली भैया लेकिन बाती का घाव ना मिटाई तर्ज लग गई बिरहा में तर्जू बाप कि स्वर्गीय हमारे पिताजी स्वर्गीय रामदेव जी गीत के बड़ा प्यार से गाय के चल गई लन चुप रहा मजबा ऐसे कहा अंजलि कि हमारा टिकटवा काट देहला ये बिरहा के उनके अलावा केहू गौलस नहीं ये तर्ज के कैसे गिर गिर जाला नारे बुनावा गिर गिर जाला नारे बुनावा गिर गिर जाला नारे पिया मोरा जाल के पसल धरा बुनावा रे बुनावा गिर गिर जाला नारे पिया मोरा जाल के पसल धरा बुनावा रे बाबूजी कहें केतन सटाई सटत नहीं बुनावा कवन भयल यवा बुनावा हो रामा कवन भयल यवा बुनावा हो रामा कवन भयल यवा बुनावा ई बुनावा तब खुनावा करावे दिन हो तो चावा गुनावा रे गुनावा छोड़ दा तर्ज के चाणक्य की बात लग गई करेजे में।
आज जब चाणक्य की बात करे जेम लगल तब भैल का अरे चली चली जाने पुतरिया चली चली जाने नारे पुतरिया चली चली जाने तन कस कस लगल सरिया पुतरिया चली चली जाने चारों बरण में सबसे ऊंचा ब्राह्मण वेद बतावे हो रामा अरे तीनों लोग चौदह भुवन में ज्ञान का ज्वत जरावा पुतरिया चढ़ी चढ़ी जाना पुतरिया चढ़ी चढ़ी जाना सुन के काम टूटी चाणक के बात लग गई करेजे में कर्ण की सुनो सुनो बड़ा अपमान तुमने मेरा किया अब यह अपमान बर्दाश्त नहीं होगा एक बात कहलन टेरी के अंदर भाव लगल हुई दरबार के अंदर चाणक्य महाराज एक बात कहलन टेरी लगल कैसा पर्दा लगा ला कैसा अरे देखाई बा दिन में तारा तोहके अरे देखाई बा दिन में तारा तोहके डूबी मही जंग में बही खून का धारा रहा सुनरे मतिमंद नंद वंश का विध्वंस सुनरे मतिमंद नंद बंद का विध्वंस बीच लागत न लाज आज पूरे समाज में विप्र अपमान करल चाहत कल्याण नीच नारकी नराधम बैन बोलत है नाज में पातकी पतंगा लेत पंगा प्रभाकर से गंगा की सौगंध ऊंची आवाज में अरे सिखा बद बाधू न धारण जनेव करूं प्रलय मचा दू अगर गर्व तेरे राज में कल प्रलय मचा दे तुहरे दरबार में इतना अपमान चाणक्य महाराज उठकर अपने शिष्यों के साथ चल देते हैं अजब चलल हुन आय हाय चल तो देहलन धीरे धीरे कुछ दिन बीतल एक लाइन तर्ज लगल इ तर्ज के भी हमारे स्वर्गीय पिताजी गावत रहलन बाबू दरोगा जी अरे बाबू दरोगा जी अरे कबन गुनैया बनाला पियावा मोरी बाबू दरोगा जी कबन गुनैया पियावा बनाला मोर बाबू दरोगा जी मेहरारू दरोगा जी से अर्जी करत है ना पियावा मोर आतर पातर ना पियावा मोर चोर अरे नशा मारल मार बल मुआ गईला सड़क या पकाया बाबू दरोगा जी कमने गुनाही बाबू दरोगा जी
ब्राह्मण ज्ञानी के, ब्राह्मण ज्ञानी के धपतिया हतिया में दिन रात, ब्राह्मण ज्ञानी के दर दर घूमे बन के बावरा लक्ष्मण नंद का नाश, दर दर घूमत हुन ओकर नाश कर दे जौन हमार अपमान कैले है। दर दर घूमे बन के बावरा लक्ष्मण नंद का नाश, अरे बाल मंडली खेलत देखलत जागर दिन में सब ब्राह्मण ज्ञानी है, ब्राह्मण ज्ञानी के पांच सपना के पूछे पुरायर जात, ब्राह्मण जंगल में दिन निकलन टहरे बदे मन में तो वह बात है बिना अपमान का बदला लेले छोड़ब न। जंगल में टहरे निकलन देखलन दू चार ठे लड़िका जंगलवा में खेलत रहलन, लड़िकवन के देख के लड़िकवन के पास पहुंच गेलन आ जाए के एक लड़िका का हाथ उन्हें पकड़ लेलन, लड़िका के चेहरा पर बहुत तेज रहल, उस बच्चे का हाथ पकड़ लिए पास बुलाकर कहे कि बेटा क्या नाम है तेरा, कहा कि आप तो जात से स्वभाव से ब्राह्मण लगते हैं। कहना हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन तुम कौन सा जात हो, कौन बिरादर हुआ। कहला सरकार हमार नाम चंद्रगुप्त, हमके प्यार से हमार माई चंद्र बुलावली, हमार नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। आय हाय वो लड़िका पर बड़ा खुश भेलन चाणक्य, और कहना तुम्हार घर कहाँ कले जंगलवा में माई के संगवा रही, तनी अपने माई से कोई मिला था। लिया के चाणक्य के वह छोटा सा बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य लेकर आया, और जब लेकर माँ के पास आता है माँ देखती है तो कौन है बेटा, किसे लाया है, कहा कि माम ये जंगल में मुझे मिले, इन्होंने तुमसे मिलने की इच्छा जाहिर की मैं लेता आया। आए हाय मतारी कलश की ब्राह्मण देवता, आप इस जंगल में इस गरीब के दरवाजे आए हैं, बताइए मैं क्या सेवा आपका कर सकती हूँ। कल सेवा कुछ ना करे का एक ची तो से मांगे आए ले। क्या चाहिए, मैं तो गरीब हूँ आपको कुछ दे भी नहीं सकती। क्या चाहिए, ब्राह्मण देवता कहना कि हाउ तुरे पल्ले, जवन हमके चाहत तोहरे ही पल्ले है, दूसरे के पल्ले ना हो, दूसरे के पल्ले ना हो तोहरे ही पल्ले है। सरकार ऐसी कौन सी वस्तु, ऐसी कौन सी चीज मेरे पास है जो आपको मैं दे सकती हूँ। कहला सुना सुना हमके कुछ चाहिए ना, घबरा मत, घबरा मत, बस यह है अपन लड़िकवा जो 10-12 साल का है कि हमके दे दा। आए हाय जब इतना सुन लीन है माई का करेजा फटल अगल, कहली सरकार का कोनु मतारी अपने करेजा का टुकड़ा केहू के देवे ले। कहला मैं भीख मांग रहा हूँ, ब्राह्मण होकर आ तेरे आगे भीख मांग रहा हूँ, झोली फैला देना, कहना भीख मांग थी लड़िकवा के हमके दे दा, मेरे बच्चे को ले जाकर आप क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, बच्चे को लेकर जाऊंगा और इसे बाढ़ विद्या में निपुण करूंगा, मुझे यहाँ के राजा घनानंद से बदला लेना है। आज अब घनानंद का नाम सुनलस मेहरारू ने, अरे नाच गई एकदम, घनानंद आपकी क्या दुश्मनी है उससे, कल उसने भरे दरबार में मेरा अपमान कर दिया, कहे सरकार जैसे तू तैसे मोह, एक रोग का शिकार ही। कल मतलब सरकार कभी एक समय था कभी एक वक्त था,
मेरे पति मगध के राजा हुआ करते थे और घनानंद ने धोखे से मेरे पति को मारकर और ये राज अपने कब्जे में कर लिया और हम मतारी बेटवा दर दर जंगल में भटकत थी, खैले बिना मरत थी, लकड़ी काट के दिन गुजारी ला अपन। आय हाय जब इतना सुनलन है तब कलस मैं अपने कलेजे का टुकड़ा आपको देती हूँ। आज एक मतारी अपने कलेजा का टुकड़ा देते, लेकिन याद रखिया लड़िकवा के तिलक लगौली ने अपन अंगूठा चीर के अपने खून से तिलक चंद्रगुप्त के लगा दिली और लगा के एक ठे बात कलिम फिल्म का तर्ज लग गई। तर्ज के छोड़ दा कितना बढ़िया बात चंद्रगुप्त मौर कमाई खून का टीका लगा के कहली नहीं। जा रे सुगाना वाहबा, जा रे सुगाना वाहमार चुका के यहा बदला पिया के। आज कौनो मतारी अपने बेटवा के यही बदे जन्म देवल। सुन ला, बैरी दिल में भारी के लंगार, क्या बात है लाल, क्या बात है, बैरी दिल में भारी के लंगार। खून से टीका लगा देती है, अपने पिता का बदला चुका कराना, छोड़ना मत। जाओ, मैं आदेश देती हूँ, तेरी माँ तुझे आदेश देती है। चल दिया चाणक्य के साथ। अजब चला, धीरे धीरे कुछ समय बीता, चाणक्य बाण विद्या में निपुण कर दिया चंद्रगुप्त को। अजब बाण विद्या में निपुण भइलन, तब देखिए बड़ा हो गया धीरे धीरे चंद्रगुप्त। हुआ क्या, पहपट के अंदर भाव, चला वीर जय बोल भवानी सरदा गरदा मुड़ल बाप, अब पानी पर चढ़ गई सानी मरदा गरदा मुड़ल बाप। चाणक्य मगध को चारों तरफ से घेरे हो, मजी खलबली चरण नंद सेना संग मेहनत तरेरे हो। अरे रण रंग बाजे दुश्मन का गर्दा गर्दा उड़ल बाप, गगन लाल भा पड़ भान पा पर्दा गर्दा उड़ल बाप। सुंदरा धरती पर भले गिर जाया समार, सगर सगरवा कपनिया वो रही है।
सेना सजा के चाणक्य चंद्रगुप्त चारों तरफ से मगध को घेर लिए। इतना घमासान, इतना घमासान, इतना घमासान, इतना घमासान युद्ध हुआ। सेना लेकर घनानंद भाग चला। दौड़ाए कि चंद्रगुप्त का मर, तलवरिया खींच के मरलन, गर्दन कट के फेंकाई गई। जब गर्दन कट के फेंकाई धरती पर, बा गर्दन तो कट गया, धरती पर गिर पड़ा लाश घनानंद का। जब लाश घनानंद का गिरा, आय हाय, उनका रानी सुनलिन घनानंद का भागल भागल आये लड़ाई के मैदान में, और लड़ाई के मैदान में आके कहलिन का है, अरे गिर के चरणिया में चाणक्य भवानिया, नीर छल के नया नर से खोली है जुबान, बाटा गुरुदेव तो से कहीं मंगनावा, पति साथे सती हो कर के कन्यादान, अरे गुरु का देश पौतक चीर के अंगुरिया, मंगिया सजौल छिते गुप्त पहलवान, रानी कहती है कि गुरुवर बस पति के चिता में सती हो जाऊंगी, एक मांगन है आपसे, इस यबला को अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो दे दीजिए। कहना बोल, अरे अकबर चिता के आगे से उड़ा सोलवा, एक बार बरस ले नजरिया उठला डोलावा, एक तरफ चिता सज गई, एक तरफ डोली उठल, देखा ये भाव, एक तरफ चिता सजल हो और एक तरफ डोली उठल हो। एक और मातम गूजे एक और शादी का सहनाई, अरे चंदन चिता जरल माई का बेटी करा विदाई, छाई गमगीनी पदरिया उठाला पाटोला बाप, ऋचा वेद के गूजल पूजल, ऋचा वेद के गूजल पूजल चंद्रगुप्त का आसा, अरे सिरवा बदल चाणक्य के फिर से बुढ़ भैल अभिलाषा, पासा फल पानी दरिया उठाला पाटोला बाप, पासा पलटे पानी दरिया उठलवा डोलवा, लिया के दुलही चल दिलन। जब घरे पहुंचलन है, दुलही देख दुआरे मारे, दुलही देख दुआरे मारे, खुशी के छलकाया आंसू, अरे मिले मतारी से चल रणवीर धुरंधर धांसू, सासु पागली बहुअरिया उठलवा डोलवा, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर बाका
स्वर गए चंद्रिका कवि बचन का विजय पताका। इस विरह को लिखने वाले हमारे गुरुजी श्री कबीर पांडे, जो कि शहीद गांव धानापुर चंदौली, जनपद चंदौली शहीद गांव धानापुर ग्राम डेढ़ोलिया में आप शिक्षक के पद पे तैनात हैं। यह उनकी लिखी गीत है, मैं नमन करता हूँ कवि जी को। देखई बा दिल में तारा तोहके पप्पू कवि कबीर सदगुरु का एक सहारा। देखई बा दिल में तारा तोहके।